नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्वोत्तर राज्यों में जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया जनता का आभार। कहा, जनता के साथ देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष की है ये जीत। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने नायक समाज के साथ मनाई होली मिलन समारोह। कहा, नायक समाज का समाज उत्थान में है अहम भूमिका। ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़े लगभग 5 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बैंक द्वारा रातों रात सभी ग्राहक सेवा बंद किए जाने का लगाया आरोप। 6 और 7 मार्च को जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे अपने बूथ का निरीक्षण। पुलिस लाइन में जिला प्रशासन और पुलिस कर्मियों ने जमकर खेली होली, उड़ाए अबीर गुलाल। लोकसभा उपचुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप द्वारा आयोजित होगा रन फॉर वोट और नौकायन कार्यक्रम। लोकसभा उपचुनाव में बाहर से आने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक और नागरिक पुलिस के ठहरने के लिए 65 स्कूलों का किया गया अधिग्रहण, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन के बाद भाजपाइयों में खुशी की लहर, दी बधाइयां। सुर्खियों में है लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल के बीमार होने की खबर। सोमवार तक पीजीआई से लौट आने की जताई जा रही है संभावना। वाणिज्य संकाय में चल रहा है ईवीएम का वीवीपैट के साथ जोड़ने का काम, एआरओ कर रहे हैं परीक्षण। 4 मार्च को आयोजित होगा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक और होली मिलन समारोह। आरक्षण की व्यवस्था पर होगी चर्चा। और गोरखपुर वेटरन की देवरिया पर 10 रनों से रोमांचक जीत और देवरिया यूथ की गोरखपुर पर 7 विकेटों से धमाकेदार जीत। अब खबरें विस्तार से। पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ जाने से पूर्व गोरक्षनाथ मंदिर में कहा कि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं, उनमें बीजेपी भारी संख्या से जीत रही है, जिसका श्रेय आम जनता के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूर्वी क्षेत्र विकास से जो भी अब तक अर्थ होता था, वहां विकास करने के लिए विशेष जोर प्रधानमंत्री और अध्यक्ष ने दिया है, जिसका परिणाम आज देखने को मिला है। साथ ही त्रिपुरा के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कोटि-कोटि बधाई भी दी। नागालैंड और मेघालय को जो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हो रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की उपलब्धियों और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के कुशल रणनीति में चुनाव प्रबंधन की यह विजय है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से चुनाव जीतने की ओर अग्रसर है, ऐतिहासिक सफलता है। ये केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के प्रति पूर्वोत्तर की जनता का विश्वास है, और ये विश्वास इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के पूर्वी भारत के विकास के बारे में जो रणनीति तैयार की, पहली बार कोई सरकार है जिसने पूर्वी भारत के विकास को प्राथमिकता के आधार पर लेकर के कार्य योजना तैयार की, और हर केंद्रीय मंत्री को ताकि उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विकास और सुशासन का यह अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मैं त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के अंदर जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रणनीति में कार्य करते हुए ऐतिहासिक सफलता की ओर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाया है, मैं उन सभी को भी हृदय से कोटि कोटि
बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नायक सेवा संस्थान द्वारा होली मिलन समारोह शनिवार को बसारतपुर स्थित एक वाटिका में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रकाश मिश्र, संस्थान के संरक्षक वीरेंद्र कुमार नायक, गौरीशंकर नायक, जयप्रकाश नायक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को अबीर गुलाल लगाकर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि समाज उत्थान में नायक जन सेवा संस्थान का सदैव अहम भूमिका रही है। उम्मीद है कि आगे भी संस्थान के उत्थान और विकास में निरंतर तत्पर रहेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, बहुत बड़े बड़े नेता थे, लेकिन नायक जी के नेतृत्व को अस्वीकार करने की हैसियत किसी की ओर नहीं आ रहा। और आज ये किसी पद पर नहीं, लेकिन देखिए ना, मैं तो ब्राह्मण समुदाय से हूं, नहीं पद पर रहकर पता नहीं लोग मानते होंगे कि नहीं मानते होंगे, पद पर है तो मानते होंगे, लेकिन वो हमेशा लोग मानते हैं। इस नाते आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपके आपने जो विषय दिया है उसको गंभीरता के साथ लेते हुए इस पर जो भी उचित कार्यवाही है वो जरूर करूंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो सबके शासन को बात करूंगा। और एक बात, भारत सरकार ने हक दिया है तो हक क्यों नहीं मिलेगा। कई बार जैसे यहाँ गोल समुदाय है, उधर सोनभद्र की तरफ मिलता है या नहीं मिलता है, यही स्थितियां हो जाती है कि हम कहते हैं नहीं, ये नहीं, अपने मूल को सिद्ध करने की आवश्यकता है। जो शुरू में ही जयप्रकाश नायक ने बताया कि हम लोग कहां से आए और इस क्रम में मैं निश्चित रूप से इस बात को संबंधित भारत सरकार के मंत्री से उपागम करके और वहां के सचिव के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस पर सचेत करने का प्रयत्न करूंगा। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को होली की शुभकामना देता हूं। इस सामाजिक सामंजस्य के त्योहार पर हम सब लोग एक होकर के कार्य करें। सभी गले मिलते हैं तो गले मिलने का मतलब है हृदय मिलता है। एक बार हमको ध्यान है, दीपिया जी यात्रा पर थे, प्रवास पर, वो आ रहे थे तो शाम के दुलंके में, मतलब शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था, पैर खड़ा है वो गिरे और गिरे तो ऐसा ही हो जाता। उन्होंने कहा कि जालू कमराई में है, आप वहां गिर गए थे और कह रहे आप ऐसा ही हो जाता। उन्होंने कहा कि भाई देखो, कभी कभी एकाएक कभी अच्छी बात हो जाती है। और देखो मैं नीचे गिर गया था, आप सभी लोग ऊपर थे तो आप लोग नीचे झुक करके मुझको निकाल लिए ना। अगर पूरे समाज के लोग थोड़ा सा झुकना सीखे और जो लोग नीचे हैं, जो लोग नीचे हैं, उनको यह प्रेरित करें कि तुम कायर मत रहो, कमजोर मत रहो, तुम भी कुछ करना सीखो, उठना सीखो। तो नीचे से उठना उसको सिखाएंगे, वह उठेगा और ये झुकेंगे तो जब हम लोग मिले हैं, उन्होंने कहा जब हम लोग मिले हैं, मैं नीचे से ऊपर आया हूं
तो हम दोनों के सीने मिल गए हैं, पूरा समाज का सीना मिल जाएगा, समाज में एकरूपता आ जाएगी, समाज एक हो जाएगा। इसी रास्ते मैंने कहा काश अच्छा ऐसा ही हो जाता। तो आज के अवसर पर हम सब लोगों का सीना मिलता है, इस नाते की गले मिलते हैं, हम सब लोग मिलकर के समाज का अच्छा निर्माण करें, मिले रहें, समाज को चलाते रहें, अच्छा चलाते रहें, इसकी शुभकामना देते हुए और आपके दिए हुए पत्रक को निश्चित रूप से आगे उस पर काम करने का वचनबद्धता देते हुए अपनी बात को पूरी सूचित किया। आज सचमुच अपने भेदभाव भुला करके हम समाज को एक एकजुटता में रखने का कार्य करते हैं इस त्यौहार के लिए। और सर्वप्रथम हम आपको होली की बधाई आप सबको देते हैं, तो आप सबसे ये आग्रह करेंगे कि जो एकजुटता आपकी बनी हुई है इसे और बृहद रूप दें, इसको और विस्तृत करें, ताकि समाज के और लोग भी अपने साथ जुड़ें और आपको आदर्श मान करके लोग आपके पीछे चलने का कार्य करें। और बिना संगठित समाज के कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। कहीं संगठन में ही ताकत है और वो ताकत तभी दिखाई देगी जब आप संगठित होकर के उसका सही ढंग से उपयोग करेंगे। और जैसे अभी आरक्षण की बात माननीय मंत्री जी कह रहे थे, तो आरक्षण से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। अब्दुल कलाम साहब कोई आरक्षण से नहीं बड़े हुए थे, न सुषमा स्वराज आरक्षण से इतनी बड़ी महिला नेत्री के रूप में उभर के आई है। जो भी महान हुआ अपने कर्मों से महान होता है, आदमी अपने आदर्शों से अपने चरित्र से महान होता है। तो हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आत्मबल और चरित्र बल का निर्माण करें अपने इसमें, ताकि समाज आपका अनुसरण करे, समाज आपके पीछे चलने लगे, आपका अपने आप समाज उन्नत कर जाएगा। हाँ सुधा जी, किस उद्देश्य के तहत यहाँ आज आगमन हुआ है? नहीं, इन लोगों ने होली मिलन का कार्यक्रम रखा था और नगर में होली के दूसरे दिन अनेक स्थानों पर होता है होली मिलन, उसमें हम लोग जाया करते हैं। तो इन लोगों ने होली मिलन के लिए ही बुलाया था, हम होली मिलन में ही आए थे। इन लोगों को शुभकामना दिए हैं, होली ये अभी शुभ हो, अगले भी शुभ हो, इसकी कामना करते हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित की जा रही ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़े लगभग 5 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने शनिवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजियां की। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि भारतीय स्टेट बैंक रातों रात सभी ग्राहक सेवा केंद्रों को बंद कर दिया है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़े ब्रजेश अग्रहरी, इंद्रदेव पाठक, कृष्ण मिश्र और राजेश कुमार द्विवेदी ने संयुक्त रूप से कहा, उदयराज सैनी। कहाँ से हैं आप लोग? किस संस्थान से हैं आप लोग? स्टेट बैंक इंडिविजुअल बेसिस। अच्छा, क्या दिक्कत आई है जो आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं? दिक्कत यह है कि हम बीसी बंधुओं ने आज 10 साल से लगातार दिन रात मेहनत करके इस जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है जनधन खाता खोलने का, वो हम बीसी बंधुओं के बल पर हुआ है। और वही लोग उनका आईडी बंद करके आज हम लोगों को सड़क पर फेंक दिया गया। हम लोगों का रातों रात बिना कोई सूचना के हम लोगों का आईडी बंद कर दिया गया। क्या दिक्कत हो रही है इससे आप लोगों को? इससे दिक्कत ये हो रही है, हम लोग एक एक संचालक के पास 10-10 हज़ार ग्राहक है और वो आज आकर के घेर लेंगे हमको। हमारा तो मान सम्मान तो जा ही रहा है, लेकिन जान भी जाने की दिक्कत है। वो घेर करके हमको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। जो किराए पर हैं अलग दुकान है उनका तो कुछ गनीमत है, लेकिन जो अपने घर में ही खोल रखते हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको तो पब्लिक घेर करके मारने पीटने उतारू हो जा रही है।
वो सीधे कह रहे हैं हमने खाता आपके वहाँ खोला है, हम आपसे पैसा लेंगे, उसके जिम्मेदार आप हैं ना कि बैंक। तो हम लोगों का जीना दुर्लभ हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या किया जाए? शासन प्रशासन हम लोगों का मार्गदर्शन करे, या तो मेरा खाता चालू करे या कोई व्यवस्था बनावे। बिना पूर्व सूचना के हम लोगों की आई डी बंद कर दी गई है। आखिर क्यों? ये बीसीओ का क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? हम डिमांड, मेरा आईडी चालू किया जाए, अविलंब अविलंब मेरा आईडी चालू किया जाए, ताकि हम जनता किस तरह का दिक्कतों का किस तरह की उच्च न्यायालय महोदय ने हम लोगों को 28 दिन में ऑर्डर किया है, हमारी आईडी को चालू करने का उन्होंने ऑर्डर भी दिया है, वो चीज़ हम उनको रिसीव कराने आए हैं डीजे महोदय को, और ये लेटर रिसीव करके हमारे आईडी को तुरंत चालू करा है। अगर हमारे साथ अगर कोई अपनी घटना होती है तो सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। देखिए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमको 31 मार्च 18 तक स्थगन आदेश प्राप्त है, बैंक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना की जा रही है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को इनके द्वारा माना नहीं जा रहा है, और हम एप्लीकेशन इनको दे रहे हैं तो कह रहे हैं भागिए भागिए बाहर जाइए। हम रिसीव करने के लिए एक एप्लीकेशन आर एम साहब को दिए हैं तो आर एम साहब बोले नहीं बाहर निकलिए डाक से भेजिए, एक एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार नहीं है आर एम साहब। अब जो टर्मिनल एक्सपायर हो गया है हमारा, वो हम किसी कस्टमर का हम कोई पेमेंट नहीं कर सकते, कोई निकासी नहीं कर सकते, कस्टमर को सेवा नहीं दे सकते हैं, पूरे देश में पूरे एरिया में इससे वायलेशन पैदा हो जाएगा, कस्टमर को सेवा नहीं मिल पाएगा। जो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, हम जनता को सेवा देते हैं, उनके जमा करते हैं, निकासी करते हैं, उनका खाता खोलते हैं, जो भी बैंकिंग सेवा मैं दे रहा हूँ वो कल से बाधित हो गया, एक तारीख से बाधित हो गया, एक मार्च 2018 को उन्होंने बंद कर दिया मेरा आईडी, जबकि भारत सरकार का रिजर्व बैंक का कोई मास्टर सर्कुलर नहीं है, स्टेट बैंक की भी कोई सर्कुलर नहीं है कि हमारी आईडी बंद कर दी जाए। हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी जो है कि हमारा आईडी बंद कर दिया है कॉर्पोरेट कंपनियों का जो है कि बहकावे में आ करके। लोकसभा उपनिर्वाचन 2018 को सकुशल और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए लगे सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। ये जानकारी देते हुए प्रभारी अधिकारी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट रजनीश चंद ने बताया कि 320 कंपियरगंज और 321 पिपराइच विधानसभा के सेक्टरों के मजिस्ट्रेट 6 मार्च और 322 गोरखपुर शहर, 323 गोरखपुर ग्रामीण और 324 सहजनवा सेक्टर मजिस्ट्रेट 7 मार्च को अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। वे इस दौरान बूथ पर आवश्यक सुविधाएं जैसे कि पेयजल, बिजली, शौचालय, फर्नीचर, रैंप का सत्यापन करेंगे और साथ ही बर्नेबुल और क्रिटिकल संवेदनशील अति संवेदनशील स्थिति का आकलन भी करेंगे। वे रूट चार्ट के अनुसार बूथ पर जाएंगे ताकि रूट का सत्यापन किया जा सके। गोरखपुर पुलिस लाइन के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में किया गया। समारोह में होली के त्यौहार को सकुशल संपन्न होने पर पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली, जिसमें एडीजी दावा शेरपा, आईजी नीलाब्जा चौधरी, मंडलायुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी राजीव रौतेला, एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ गणेश साह, एसपी क्राइम आलोक वर्मा, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, सीओ कोतवाली तारकेश्वर पांडे, गोरखनाथ सीओ प्रवीण कुमार सिंह सहित अन्य सीओ और थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। होली मिलन समारोह में पुलिस वालों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर फूलों की होली खेली और एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी। इस मौके पर 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ताइक्वांडो टीम को पुरस्कृत भी किया गया। समारोह में राकेश श्रीवास्तव ने होली गीत की प्रस्तुति की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा, जिलाधिकारी राजीव रौतेला और एसएसपी ने शांतिपूर्वक होली संपन्न होने पर आभार व्यक्त किया और होली की मुबारकबाद भी दी। आइए खीर लगा दिए सर। सर ऐसा इस तरह आके करेंगे तो फोटो हो जाएगा सभी लोग के साथ, सबके साथ फोटो कर लेंगे। हाँ सर वही कर लीजिए। आप लोग तो डिजाइन बना रहे फागुन में प्रेत रंगाले कोई रंगाले को
कम से कम ताली लायक तो होती ही है। चलो बेटा बहुत बढ़िया।
किसी भी काम में महिला संवर्ग पीछे नहीं है। जो कई क्षेत्र जो है केवल पुरुषों के लिए कभी आरक्षित माने जाते थे, आर्मी हुआ, पुलिस हुआ, बहुत से ऐसे प्रोफेशन, वहां भी हमारे साथ महिला हमारे के एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। उन्हीं महिला टीम में हमारे बीच में तीन लोग और यहाँ उपस्थित, महिलाएं कहीं पीछे नहीं, जिनकी शादी हो चुकी है। पटका से उठा के पटका था उस कांस्टेबल को, मुझे लगा अब तो ये दो महीना कम से कम हॉस्पिटल में ही रहेगा, मगर निश्चित तौर पे बचा के नहीं। होली की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। होली के बहुत ही सौभाग्यपूर्ण निशानपूर्ण रूप से यहाँ पर संपन्न है, ये शुभकामनाएं। आप सबने होली के इस त्यौहार में उत्साह के साथ सहभागिता की, तो इसके लिए आपके हार्दिक आभारी है। पूरा प्रशासन आपको पुनः पुनः शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद। पूरे जनपद के वासियों को हम सभी की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली का त्यौहार पूरा सकुशल बीता है और पूरे जनपद के वासियों ने इसमें हर्षोल्लास से इस त्यौहार में भाग लिया है और पूरी तरह शांति बनी रही है। इसके लिए पूरे जनपद की जनता का मैं धन्यवाद भी करता हूँ और पुनः उनको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में मतदान के प्रति मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए स्वीप द्वारा आयोजित रन फॉर वोट और नौकायन आयोजन की तैयारी बैठक मुख्य राजस्व अधिकारी बलराम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में बलराम सिंह ने कहा कि सभी प्रतिभागी एक ड्रेस में शामिल होंगे, प्रत्येक नाव को झंडे और बैनरों से सजाया जाएगा, प्रत्येक नाव पर 10 व्यक्ति बैठ सकते हैं, रामगढ़ ताल जेट्टी में एक मंच भी बनाया जा रहा है जहां से जिला निर्वाचन अधिकारी सभी को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि स्वीप के अंतर्गत 6 मार्च को 10 बजे से परिक्षेत्र के अधिकारी, शिक्षक, छात्र छात्राएं, एनसीसी के कैडेट्स, एनएसएस के स्वयंसेवक, रोवर्स रेंजर्स छात्र, एथलीट, पुलिस बल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा रन फॉर वोट आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दौड़ लगभग 2.5 किलोमीटर की है जो पैडलेगंज चौराहा स्थित गौतम बुद्ध द्वार से शुरू होकर नौका विहार पर जाकर समाप्त होगी। गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए स्वीप प्रभारी बलराम सिंह ने बताया, 10 बजे से, हाँ 10 बजे से हो गया। कहाँ से होगा स्टार्ट? पैडलेगंज पुलिस चौकी पास जो गौतम बुद्ध विहार गेट है वहाँ से लेकर जेटी तक होगा, वही नौकायन तक। तो ये स्पोर्ट ऑफिसर जो है ये अपना तो बनवा लिए हैं, जो भी ट्रैक सूट में आएंगे हम उनको स्टिकर दे देंगे, वहाँ पे काउंटर लगा देंगे, वो लोग अपना चस्पा कर लेंगे और दौड़ में भाग लेंगे। ये आगे रन फॉर वोट लिखा रहेगा, पीछे जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो और मतदान दिवस 11 मार्च 2018 ऐसे लिखा रहेगा। ये स्टिकर हम वहाँ पे काउंटर लगवा देंगे और जो लोग जितने लोग लाएंगे, जैसे एसएसबी के जितने लोग हो जाएंगे आप हमें लिखित में दे दीजिए। तो ये 6 तारीख को 10 बजे है, ये लिखे दे दिए, हम छपवा देते हैं। बाकी ये स्पोर्ट ऑफिसर जो है इन्होंने अपने बनवा लिए हैं, ये टी शर्ट भी बनवा लिए हैं और इसी तरीके के गोल गले की रहेगी, टूटता रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो लोग गोल गले की टी शर्ट खरीद लें और अपना रन फॉर वोट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी जो है विश्वविद्यालय से आया कोई भाई युवा कल्याण साहब? जी सर। आपकी दो नाव है, एक युवती मंगल दल है, एक युवा मंगल दल है, तो अलग अलग सूची दीजिए ना, नाव हो जाएगी ना, 10-10 अलग अलग दीजिए ना, 10 युवतियों का दीजिए ना, 10 युवकों का दीजिए। अरे प्रोफेसर मुंबई वो शुक्ला जी आए ना, उनसे बात कर लीजिएगा फोन से, तो अपना बना लें। उससे टेक्निकल इंडस्ट्री से आया मतलब बाकी टेक्निकल इंडस्ट्री, तो आपको भी अपना ग्रुप बनाना है और मतलब एक पहचान रहे, तो भी आपका इंडस्ट्री का पहचान या लोगो हो वही पहन के रहे। व्हाइट सेट ब्लैक पास कर दीजिए। अच्छा, तो आप
दो ड्रोन कैमरा है और बाकी तो वैसे तो वीडियो काफी होगी। और चेयर साहब से चेयर अप करने के लिए 5,000 बच्चे भी बुलाए जा रहे हैं जो चेयर अप करेंगे कि भाई आप तेज और तेज लगे रहो। मतलब नदी क्या तालाब के किनारे जो बूस्ट अप करेंगे कि भाई हाँ और जोर लगाओ और थोड़ा तेज, तो जो जीतेगा फिर उसको इनाम मिलेगा। प्राथमिक अध्यापक ग्रुप बीएसए साहब आपने दे दी सूची ना? डीआर साहब सर आपने दे दिया ना? दोनों दो दिन पूर्व दे दिया मैंने। आंगनवाड़ी आशा आशा का आपका है दे दिए 5 तारीख को हम लोग जो है 12 बजे जो है एक नौकायन कार्यक्रम करा रहे हैं स्वीप के अंतर्गत जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है जिसमें हमारी 50 नावें भाग लेंगी और 50 नावों पे अलग अलग ग्रुप के लोग बैठेंगे और वो मतदाता जागरूकता का संदेश देंगे। रोड साइड पे बच्चे खड़े रहेंगे जो चीयर अप करेंगे उस नौकायन रेस को। उसके बाद में पूरी रेस जो है 40 मिनट में पूरी होगी। उसके बाद में जेटी पे जिलाधिकारी महोदय जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा जो भी प्रतिभागी होंगे उनको संबोधित किया जाएगा मतदाता जागरूकता के संबंध में और यही कार्यक्रम हम लोग अच्छे से करा रहे हैं। कितने बजे से होगा सर ये? 12 बजे से होगा दिन में। कितनी संस्थाएँ इसमें शामिल हैं? 50 ग्रुप शामिल हैं, 50 नौकाएँ रहेंगी, 50 ग्रुप शामिल हैं इसमें। जी सर रन फॉरवर्ड भी कार्यक्रम है क्या? हाँ 6 तारीख को जो है रन फॉरवर्ड कराया जाएगा जो हमारा पेडलेगंज चौकी है वहीं पे गौतम बुद्ध विहार जो गेट है वहाँ से रेस शुरू होगी प्रातः 10 बजे और वहाँ से करीब 2.1 किलोमीटर पे जो जेटी है नौकायन केंद्र है वहाँ तक ये रेस होगी और इसमें लगभग 800 लोग भाग लेंगे। 800 लोग भाग लेंगे वो हमारे स्पोर्ट कॉलेज से होंगे, SSB से होंगे और विभिन्न कॉलेजों के हमारे और यूनिवर्सिटी के NCC के कैडेट्स हैं जो दौड़ में प्रतिभाग करेंगे और एक कलर का टी शर्ट पहन करके वाइट टी शर्ट और उस पर आगे रन फॉर वोट का लोगो और पीछे मतदाता जागरूकता का मतदान दिवस लिखा रहेगा और हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो बना रहेगा और ये करीब 15 मिनट में रेस पूरी हो जाएगी। क्या उद्देश्य सर इस तरह कार्यक्रम करने का? मतदाता जागरूकता फैलाना है कि लोग जो आगामी 11 मार्च को मतदान होना है उसमें सशक्त भागीदारी करें और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर लोकसभा उपनिर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव ड्यूटी से बाहर से आने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक और नागरिक पुलिस के ठहरने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 मार्च से 12 मार्च तक के लिए जनपद के 65 कॉलेजों का अधिग्रहण किया गया है। ये जानकारी जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने दी। त्रिपुरा मेघालय और नागालैंड में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन के बाद से भाजपाइयों में जबरदस्त खुशी की लहर है। इस मौके पर शनिवार को महानगर के केंद्रीय कार्यालय में भाजपाइयों ने
एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी और जयघोष के नारे भी लगाए। आपको बताते चलें कि त्रिपुरा में 25 साल के बाद लेफ्ट के किले को ढाते हुए बीजेपी ने पहली बार सत्ता हासिल की है। बांग्ला भाषी लोगों की बहुलता वाले इस राज्य में 1993 के बाद से ही सीपीएम की सत्ता थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाद अब ये भी किला छीनने के बाद लेफ्ट के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कभी उत्तर और पश्चिम भारत की ही पार्टी जाने जाने वाली बीजेपी का पूर्वोत्तर राज्यों के में इतनी बड़ी बढ़त हासिल करना उसके लिए भी चौंकाने वाला एक परिणाम है। इस अवसर पर भाजपा के चुनाव प्रभारी अनूप गुप्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष पुष्प दंत जैन, रमेश सिंह, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी सत्येंद्र सिन्हा, श्रवण पटेल सहित पार्टी के कई पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान चुनाव प्रभारी अनूप गुप्ता ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की तरह भाजपा लोकसभा उपचुनाव में उम्मीद से बेहतर परिणाम देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में कई दिग्गज प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त होने वाली है। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद आदित्यनाथ, जिंदाबाद जिंदाबाद आदित्यनाथ, जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद 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 योगी मोदी, जिंदाबाद मोदी कमल निशान, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पूरे देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी का भगवा परचम है ये लहरा रहा है, और हमारे कुशल नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, उनके कुशल नेतृत्व के कारण से ऐसा हुआ है। और इसमें जो सड़का लगने का काम हुआ है वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के त्रिपुरा जाने से भी और बड़ी सफलता हमको प्राप्त हुई है। और ये मैं इसको इस रूप में कह सकता हूँ कि बहुत पहले हम नारा लगाते थे कि लाल गुलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम, अब वंदे मातरम का गान और वंदे मातरम की जयकार, भारत माता की जयकार अब पूरे देश भर में गूंज रही है। पूर्वोत्तर भी अब उससे अछूता नहीं रहा। अभी गोरखपुर में भी उपचुनाव है, इसके बारे में क्या कहें, क्या यहाँ सफलता आप? गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी सभी कीर्तिमान अभी तक के जो हैं अपने भी बनाए हुए सभी कीर्तिमान तोड़ने का काम करेगी, और एक प्रचंड जीत के साथ शायद दूसरे दलों की जमानत भी जब्त कराने का काम भी करेगी। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ला के बीमार होने की खबर इन दिनों सुर्खियों में चल रही है। अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल अचानक बीमार पड़ गए हैं। डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें पीजीआई ले जाया गया, जहां पर उनका उपचार सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सूत्रों के हिसाब से वर्तमान में उपेंद्र शुक्ला की तबीयत पहले से बेहतर है, सोमवार तक इलाज कराकर गोरखपुर लौटने की संभावना जताई जा रही है। 11 मार्च को होने वाले लोकसभा उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से जुटा है, जिसको लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में ईवीएम और वीवीपैट की एक साथ एक दूसरे को जोड़ने और पैकिंग का काम चल रहा है, जहां उसका लगातार परीक्षण एआरओ द्वारा किया जा रहा है। इसमें कोई त्रुटि ना रह जाए इसके लिए इसे पूरी तरह से इसका गहन निरीक्षण संबंधित अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के महासचिव वीरेंद्र मिश्रा ने शनिवार को गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि महासभा की एक बैठक 4 मार्च की सुबह 11 बजे सूरजकुंड स्थित एक एकेडमी में की जाएगी। इस अवसर पर होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। बैठक में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार कर आर्थिक आधार पर इसे देने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा, आप तो नहीं हो रहे हैं और थोड़ा सा कार्यक्रम
कल होली मिलन जो करेंगे उसके संबंध में आपको ये बता दें कि उसका उद्देश्य क्या है। हमने अपने संगठन के विस्तार के लिए, राष्ट्र और समाज के सौहार्द को बरकरार रखने के लिए आगे की रणनीति हमारी विस्तार की कैसी हो, चुनावी स्थिति हमारी कैसी हो, क्या हो, इन सब मुद्दों को लेकर के कल जो हम बैठक करने जा रहे हैं उसमें होली मिलन का भी आयोजन हमने किया है। यही चीज़ हम आज बताने जा रहे हैं और संगठन को विस्तारित करने के इधर जो भी हमारे प्रयास हुए हैं यहाँ गोरखपुर और पूर्वांचल में, खासकर हमारे गोरखपुर इकाई का महत्वपूर्ण योगदान, हम काफ़ी उत्साहित हैं। ब्राह्मण भाइयों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है संगठन के प्रति, उससे हम आश्वान्वित हैं और उत्साहित हैं। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर पंडित कमला प्रसाद मिश्र स्मारक कैनवस बॉल 2020 वेटरन क्रिकेट मैच में देवरिया और गोरखपुर के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गोरखपुर की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेटों के नुकसान पर 177 रन बनाने का लक्ष्य रखा। गोरखपुर की तरफ से राकेश पाठक के नाबाद 54 रन और विकास के 54 रन की पारी खेली। 178 रनों का पीछा करने उतरी देवरिया की टीम निर्धारित ओवरों में महज 167 रन ही बना सकी। देवरिया की तरफ से अभिनव पाठक ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 80 रन बनाए जरूर, लेकिन अपनी टीम को विजेता ना बना सके। गोरखपुर की तरफ से राकेश पाठक ने 4 विकेट लिए। एक अन्य मैच में DSBS देवरिया यूथ और DSBS गोरखपुर यूथ के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ने 16 ओवरों में 8 विकेटों के नुकसान पर 117 रन बनाई, जिसमें विकास मिश्रा ने सर्वाधिक 35 रनों की पारी खेली। जीत के लिए 118 रन का पीछा करने उतरी देवरिया की टीम ने 12वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। देवरिया की तरफ से सचिन ने 43 और सलामी बल्लेबाज आकाश ने धमाकेदार 53 रनों की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को 7 विकेटों से धमाकेदार जीत हासिल कराई। सेट बोल दिया था उसे। अरे यहाँ पे फिर से फुल टॉस से जिसे हल्के हाथों से पुश कर दिया है और यहाँ पे रन आउट का चांस और यहाँ पे रन आउट मिलता हुआ। विकेट थोड़ी सी स्लाइटेड, इसे खेल दिया है 4 रन के लिए डीप मिड विकेट में उसकी गेंद और यहाँ फुल टॉस बनाने के बाद में कोशिश 7 ओवर पे गेंद को फील्ड किया गया और उसमें तैयार उसकी गेंद और आगे निकलने के बाद सीधे स्ट्रेट हो गया। देखते हैं आगे क्या होता है। गेंद को फील्ड किया गया जिस तक अब टेस्ट कराने की कोशिश लिंडर जनक स्कोर और इस प्रकार से ये मैच रन से विजेता हुई। दिव्यन्द्र मणि 111 7 विकेट अंतिम ओवर ये 4 रन के लिए निकल गई है। 115 निकल चुका है और इस एक रन डबल बन जाएगा। और एक बार फिर से लक्ष्मीकांत मिश्रा जी की गेंद का सामना करेंगे। पहले बार फिर से एक मिड विकेट बाउंड्री की तरफ उछाला है खिलाड़ी गेंद के नीचे, देखने क्या होता है। और एक बार फिर से बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन किया, सीमा रेखा की तरफ भेज दिया खिलाड़ी फील्डर ने, चौका लगा। विश्वास में विश्वास है और बहुत ही अच्छी बल्ली का बल्लेबाजी का प्रदर्शन, गेंद स्वीप कर दिया था और बहुत ही अच्छी बल्ली का ये दूसरा मैच
गोरखपुर और डीएसपीएस देवरिया के बीच में खेला गया, जिसमें 7 विकेट से मात दिया यहाँ पे देवरिया ने गोरखपुर की टीम को आरसीबी का। चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। पूर्वोत्तर राज्यों में जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया जनता का आभार, कहा जनता के साथ देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष की है ये जीत। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने नायक समाज के साथ मनाई होली मिलन समारोह, कहा नायक समाज का समाज उत्थान में है अहम भूमिका। ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़े लगभग 5 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, बैंक द्वारा रातों रात सभी ग्राहक सेवा बंद किए जाने का लगाया आरोप। 6 और 7 मार्च को जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे अपने बूथ का निरीक्षण। पुलिस लाइन में जिला प्रशासन और पुलिस कर्मियों ने जमकर खेली होली, उड़ाए अबीर गुलाल। लोकसभा उपचुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप द्वारा आयोजित होगा रन फॉर वोट और नौकायन कार्यक्रम। लोकसभा उपचुनाव में बाहर से आने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक और नागरिक पुलिस के ठहरने के लिए 65 स्कूलों का किया गया अधिग्रहण, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन के बाद भाजपाइयों में खुशी की लहर, दी बधाइयां। सुर्खियों में है लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल के बीमार होने की खबर, सोमवार तक पीजीआई से लौट आने की जताई जा रही है संभावना। वाणिज्य संकाय में चल रहा है ईवीएम का वीवीपैट के साथ जोड़ने का काम, एआरओ कर रहे हैं परीक्षण। 4 मार्च को आयोजित होगा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक और होली मिलन समारोह, आरक्षण की व्यवस्था पर होगी चर्चा। और गोरखपुर वेटरन की देवरिया पर 10 रनों से रोमांचक जीत और देवरिया यूथ की गोरखपुर पर 7 विकेटों से धमाकेदार जीत। इस बुलेटिन में बस इतना ही, कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।